पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की आखिरकार आसमान में वापसी हो गई। पाकिस्तान की हिरासत से छूटने के 6 महीने बाद सोमवार को इस जाबाज पायलट ने वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के साथ MiG-21 में उड़ान भरी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान विमानों को खदेड़ने और F-16 जैसी आधुनिक लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन को स्वतंत्र दिवस पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बुधवार को पठानकोट एयरबेस से विंग कमांडर वर्तमान ने MiG-21 ट्रेनर वर्जन से आसमान में वापसी की। बड़ी बात तो यह है कि इस मौके पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वायुसेना प्रमुख धनोआ भी विमान में मौजूद रहे। धनोआ भी MiG-21 के पायलट रह चुके हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध के समय 17वें स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए यह विमान उड़ाया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन एक बहुत बड़ा चेहरा बने थे। अभिनंदन के भारत लौटने के बाद उनका दोबारा विमान उड़ाना एक सस्पेंस बन गया था। हालांकि जब एयर चीफ धनोआ ने साफ किया कि मेडिकल फिटनेस के बाद अभिनंदन दोबारा विमान उड़ाएंगे, पिछले महीने IF बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एयरस्पेस मेडिसिन ने अभिनंदन वर्धमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी दे दी। इस मंजूरी से पहले उन मेडिकल जांच हुआ और इस जांच में वो पूरी तरीके से पास हो गए। एयरफोर्स ने उड़ान के समय की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर भेजी। उड़ान के बाद BS धनोआ ने कहा कि हम दोनों ने पाकिस्तानियों से लड़ाई करते हुए फाइटर जेट से इजेक्ट हुए। मैं कारगिल के समय और अभिनंदन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। और एयर चीफ ने बताया कि खास बात तो ये है कि वह अभिनंदन के पिता के साथ भी फाइटर जेट उड़ा चुके हैं।